हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस फ्लिपर। तो गाइस आज हम अपने ऑफिस का रेनोवेशन कंप्लीट करने वाले हैं एंड जो हमारा बेसमेंट है उसमें हम कुछ स्पेशल रूम बनाएंगे। या तो मैं गेमिंग रूम बनाऊंगा या फिर हम वहां पे पूरा होम थिएटर सेटअप करेंगे या फिर उसका कुछ मिक्स। तो मेरे पास दो चार आइडियाज हैं जो मैं वहां पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, बट देखते हैं कि हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं वहां पे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लास्ट टाइम हमने अपना लिविंग रूम बना लिया था एंड यहाँ पे एक बाथरूम पूरा कंप्लीट कर लिया था भाई। एंड मैंने आप लोग से पूछा था कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, तो मिक्स रिएक्शन थे, ठीक भी लग रहा है, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन इसको भी ब्लू टाइल्स कर देते हैं, ये जो अपने किचन में लगाई हुई है। तो देखते हैं कि अपने पास अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मिलेगा। ओके, उससे बेटर मेरे को मिला नहीं एक्चुअली में वो, तो उससे बेटर भाई मैं इधर भी अपना यही वाला कलर कर देता हूँ जो बाकी जगह किया है अपन ने, जो कि है पीच, आई थिंक पीच, हाँ ब्राइट पीच कलर है ये। तो मैं इसको भी पेंट कर देता हूँ वहाँ पे एंड देन अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके नाइस, नॉट बैड, अच्छा ही लग रहा है ये। एंड यहाँ पे ये किचन और ये अपना लिविंग रूम, तो काफ़ी बढ़िया लुक आ चुका है गाइस यहाँ पे। इसको मैं भेज देता हूँ, ये क्या कर रहा है एक्स्ट्रा, और ये प्लास्टरिंग वाला है। ओके चलो गाइस आगे बढ़ते हैं बेडरूम की तरफ। एंड इसमें बेडरूम आएगा भी नहीं भाई मेरे ख्याल से, ये एक ऑफिस की जगह हो जाएगी, बेडरूम लायक तो जगह भी नहीं है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ भाई, एक बढ़िया सा कलर चूज करता हूँ दीवारों के लिए, और प्लस फ्लोरिंग भी, अपन ने अभी तक फ्लोरिंग कहीं भी नहीं की है आई थिंक, तो अच्छा मेरे को कलर देखना पड़ेगा भाई। सनी ऑरेंज कलर कैसा रहेगा, इसको अपन पेंट करके देखते हैं गाइस। आई डोंट नो, मैं थोड़ा ब्राइट करना चाह रहा हूँ अपना ये रूम। ओके इतना खराब नहीं लग रहा, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है, थोड़ा चेंज की जरूरत है। मेरे पास एक बढ़िया कलर है उसके लिए, रुको। वेल शुरू में मैंने सोचा था कि अपन दो दीवार वाइट करेंगे, बट एक ही दीवार पे ही अच्छा लग रहा है, मे बी सेट कर देना था मेरे को, बट आई थिंक अच्छा लग रहा है ये। तो ये बेडरूम तो भाई दो लोगों के लिए बनेगा नहीं, एक ही इंसान रह पाएगा यहाँ पे, तो अपन एक सिंगल बेड लगा सकते हैं यहाँ पे एंड और कुछ फर्नीचर उससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं लगेगा भाई। ओह आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है, स्टिल है तो ये डबल बेड, लेकिन आई थिंक ये काम कर जाएगा। नाइस, ये बेड काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे दोनों तरफ मैं नाइट स्टैंड लगा देता हूँ एंड अपना काम हो जाएगा। नाइट मॉडर्न, मॉडर्न चाहिए अपने को मॉडर्न। क्या बढ़िया लग रहा है यार ये, आई मीन इतनी जगह है नहीं बट आई गेस काम कर जाएगा ये। यहाँ पे मे बी एक मैं टीवी लगा सकता हूँ अगर चाहे तो, अगर ये दीवार ऐसी नहीं होती। एक सेकंड, अपन दीवार बना भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसी दीवार है क्यों एक्चुअली में, व्हाट ये क्या है, इंटरेस्टिंग। रुको गाइस अपन ये तोड़ते हैं, ये ना ये टूटेगा नहीं, ओह बाहर से भी नहीं टूटेगा ये। एक सेकंड गाइस, अपन ना इधर वॉल बना के पूरा सीधा कर देते हैं, एटलीस्ट थोड़ी जगह कम हो जाएगी बट एटलीस्ट वॉल सीधी रहेगी यहाँ पे। ओके परफेक्ट, नाइस। और यहाँ पे अपन ने जो तोड़ा था, जो कपड़ा किया था, उसको भी यहाँ पे कर देते हैं। ये वाला वॉल टूट जाता तो काम ही हो जाता अपना, लेकिन अपन आउटर वॉल्स तोड़ नहीं सकते हैं, सैड लाइफ। और हाँ मेरे को किसी ने बोला था कि बाथरूम में अपन ने जो वॉल लगाई उसको पेंट नहीं किया। ओ राइट, हाँ इसको नहीं किया था अपन ने। ओके रुको, इसमें अभी अपन टाइल्स लगा देते हैं। ओके नाइस, कंप्लीट हो चुका है ये। चलो बाहर चलते हैं एंड ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टीवी लगा के देखता हूँ, आई मीन छोटा सा नहीं, जितना भी बड़ा टीवी आ जाए यहाँ पे एंटरटेनमेंट एंड बॉल माउंटेड टीवी। ये रहा, ये कितना बड़ा है, ओह आई गेस ठीक है। अरे भाई एक सेकंड, बेड पर चढ़ने दो, हाँ इसको अपन सेंटर करते हैं। ओके वेरी नाइस, सही है, टीवी ऑन भी कर दिया। आई कैंट स्लीप हियर विद द टीवी, नूब कहीं का, बंद कर दो ना टीवी तो। ओ तीन चार चैनल है यहाँ पे। कुछ डेकोरेशन लगा देते हैं, पेंटिंग्स लगा देते हैं अपन, कुछ सीनरीज लगा दी है अपन ने गाइस, दो सीनरीज लगा दी है हमें, ठीक है नाइस। और यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, एक टेबल में भी मिसिंग है छोटा सा, हाँ ये टीवी कैबिनेट। चलो ये भी लग गया, यहाँ पे एक फ्लावर पॉट लगा देते हैं, अबे इतना बड़ा नहीं लगाना।
छोटा साइज में नहीं लेता है क्या कोई फूल पौधे आजकल? यहाँ पे अब अपने को एक लैंप चाहिए, शैंडलियर या ऐसा कुछ। बेडरूम में तो ये वाला ही सबसे बढ़िया लगता है। एंड इसको अपन ऑन करते हैं, टर्न लाइट ऑन, वेरी नाइस, क्या बढ़िया लुक देता है ये। और यहाँ पे अपन एक्चुअली में एक छोटा सा क्लॉक लगा सकते हैं ना, जैसा अपन ने वो हॉलवे में लगाया है वैसा ही कुछ ये। लेकिन यहाँ पे अपन दूसरा लगाते हैं, बैटमैन है, चिल्ड्रन वाला है, लेकिन ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, स्मॉल साइज एंड ये सर के ऊपर एकदम। ओके वेरी नाइस, डेकोरेशन काफी अच्छा हो गया है यहाँ पे। अपन एक राउटर लगा सकते हैं, भाई इंटरनेट के लिए राउटर तो चाहिए होगा ना, तो ये लगा दिया एक राउटर, इजी। और कुछ डेकोरेशन करने को है नहीं मेरे पास इस टेबल पे तो खासकर। ओके आई गेस रूम काफी डिसेंट लग रहा है, अगर मेरे पास आखिरी में कुछ टाइम बचा और कुछ आइडियाज आए तो अपन यहाँ पे जरूर काम करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। हाँ, जाने से पहले मैं यहाँ पे नए लाइट स्विच लगा देता हूँ भाई, क्योंकि ये तो बहुत पुराने हो चुके हैं। अपने यहाँ पे मॉडर्न लाइट स्विच लगाया था तो अपन वही लगाएंगे। आई मीन मैं एलिगेंट वाला भी लगा सकता हूँ, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं देखा था। एलिगेंट लाइट स्विच एंड इसको बेचो, एंड ये यहाँ पे लग गया इजी। और किधर लगा है? इस साइड लगाया ना ये, तो दोनों तरफ से बंद कर सकते हैं। ओके इसको भी बेचो और अपन ये वाला लगा देते हैं यहाँ पे, इजी नाइस। सब कुछ मॉडर्न हो चुका है थैंक्स टू अस। यहाँ पे वो नहीं आता क्या, एक स्टैंडिंग शेल्फ, एक मिनट, वॉल शेल्फ नहीं, जो कांच का रहता है, वॉल नोप नहीं है गाइस, इधर तो नहीं है, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ती हुए भाई। एंड आई गेस मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ये सब तो ठीक है। प्लास्टर की मेरी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि गैराज का हालत बहुत खराब है। आई डोंट नो, अपन सिर्फ गैराज पेंट करके छोड़ देंगे और क्या, उससे ज्यादा तो यहाँ कुछ करने को है भी नहीं। तो अपन पहले प्लास्टर करते हैं ये जगह अच्छे से, एंड ये एक और होल, नाइस, सारे होल भर गए यहाँ पे, चलो इसको बेचते हैं, कोई जरूरत नहीं है अब। एंड पेंट तो अपन दूसरा करेंगे यहाँ पे, कलर मैं देख लेता हूँ कि कौन सा कलर कर पाएंगे अपन। ये कलर बढ़िया लग रहा है, फ्रेश मॉर्निंग। गैराज के लिए इससे बेटर कलर तो नहीं मिलेगा भाई मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये लैम्प चेंज कर देता हूँ मैं, ये बड़ा सा एक लाइट चाहिए अपने को, हेलोजन लाइट चाहिए जो पूरे में लाइटिंग प्रोवाइड कर सके। ओह आई थिंक ये वाला सही रहेगा ना, इसको इसको बेचते हैं अपन और ये बीच में लगा देते हैं, ये है भी थोड़ा वैसा ही। ओह नाइस, इसमें लाइटिंग अच्छी है काफी, इसको बेचते हैं, इधर झाड़ू लगाते हैं भाई। तो यहाँ से अब मैं फ्लोरिंग करते आता हूँ भाई, क्योंकि अपन ने यहाँ पे तो कर दिया था बाथरूम में, बाथरूम छोड़ के अपने को बाकी सारी जगह फ्लोरिंग करनी है। मेरे को ये कलर एक्चुअली में अच्छा लग रहा है, बट मैं देखता हूँ कि दूसरा अपने पास कुछ अवेलेबल है इससे अच्छा या फिर नहीं। ज़ीब्रा वुड पैनल्स, ओके लेट्स गो गाइस, इसको लगा के देखते हैं। तो लाइट क्यों कम हो गई यहाँ पे? ऑलराइट यहाँ तक लगाते हैं, कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया ना, यस कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया। ये फ्लोर पैनल डार्क सबसे बढ़िया है गैस, इसको अपन पूरे में लगा देते हैं भाई। गैराज में अपन दूसरा लगाएंगे, ये गैराज की बात अलग है, बाकी अपन हर जगह यहीं पे सेम पैनल लगा देंगे। नाइस, आई थिंक हो गया। ओके ये अब काफी बढ़िया लग रहा है, डार्क भी है और लाइट भी है, एकदम बढ़िया लुक आ रहा है मेरे ख्याल से। बेडरूम भी ओपी लग रहा है, और बेडरूम में अपन ने डोर नहीं लगाया, रुको अपन एक बढ़िया सा डोर लगा देते हैं यहाँ पे। ये रहा अपना डोर, इसको पहले यहाँ पे अपने को एक वॉल लगाना पड़ेगा तब। इतना छोटा क्यों है भाई? ओके डोर भी लग के रेडी है गाइस, यहाँ पे छोटा सा डोर लगा है तो अपने को यहाँ पे एक वॉल लगाना पड़ा, बट अपने दोनों तरफ से उसको कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे एक चीज आई थिंक कारपेट मिसिंग है, तो यहाँ पे कारपेट लगा देंगे ना तो रूम कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो बड़ा सा कारपेट देखते हैं, अभी नहीं ये काम कर जाएगा। ओ नाइस, सही लग रहा है, वेरी नाइस। चलो गाइस यहाँ तो निकला जाए, तब छोटा डोर हो चुका है भाई यहाँ का, कोई नहीं। तो यहाँ पे अपन एक खासा मतलब अच्छा खासा डोर लगा देते हैं भाई, क्योंकि गैराज का एरिया है एंड थोड़ा लगना चाहिए ना कि यहाँ पे गैराज है। तो
आई डोंट नो कि मैं कौन सा डोर लगाऊं। आई गेस ये डोर लगाते हैं अपन, क्योंकि अलग से पता चलेगा कि यहाँ पे गराज है एक। ओके वेरी नाइस। चलो गाइस गैराज का एरिया भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कार रख सकते हैं क्या अपन खरीद के, क्योंकि कार तो मेरे को लग नहीं रही यहाँ कोई कार है जो अपन यहाँ पे खरीद के डाल सकते हैं। मे बी अपन कुछ चीजें डाल सकते हैं जैसे ये फोटो। कार की फोटो जरूर लगा सकते हैं अपन यहाँ पे, थोड़ा डेकोरेशन हो जाएगा। चलो आई थिंक तीन फोटो सही है यहाँ पे। ओके नीचे का काम करना है तभी हमें, जो कि है हमारा बेसमेंट एंड काफी जगह है यहाँ पे, काफी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बेसमेंट का डोर लगा देता हूँ यहाँ पे, एक नॉर्मल सा डोर। मे बी अपन सेम डोर लगाते हैं जो अपन ने वहां लगाया है, फिट भी आ जाएगा ये, नहीं तो मेरे को भी वहां बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेगी। एंड या वट हैक्स गाइज हैक्स। एंड यहाँ पे जो ये बिना प्लास्टर की दीवार है, बिना पेंट की दीवार है, इनको मैं ऐसे का ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि ये बेसमेंट वाला लुक दे रही है भाई, तो ये मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बस मैं एक आध लाइट ऐड कर देता हूँ भाई। चलो गाइस लाइटें लग चुकी हैं बढ़िया सी, एंड अब हम मेन जगह पे काम करने वाले हैं। तो मेरा प्लान बड़ा सिंपल है भाई, मैं यहाँ पे ऐसा ही फ्रिज लगाऊंगा, ऐसा ही एक सिंक लगाऊंगा और ऐसा ही एक बार एरिया बनाऊंगा भाई। उसके बाद मे बी अपन ये वॉल थोड़ी अलग लग रही है तो इसको अपन पेंट करेंगे, एंड यहाँ पे एक होम थिएटर सेटअप करेंगे। तो थोड़ी जगह देखें, यहाँ पे मैं तीन या दो सोफे लगा दूंगा, दो सोफे यहाँ लगाऊंगा एंड ये होम थिएटर बन जाएगा। उसके बाद राइट साइड में इतनी जगह है अपने पास कि यहाँ पे अपन एक गेमिंग सेटअप बना सके तो आई होपफुली ये प्लान काम कर जाए भाई। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बेच देता हूँ यहाँ पे, ये पूल टेबल अपने को नहीं चाहिए, मैं भी गिटार्स रखता हूँ, गिटार्स अच्छे लग रहे थे मेरे को। ये डोर हटाओ सबसे पहले तो, एंड ये फ्रिज, ये सिंक और ये बार एरिया। यहाँ पे ट्रॉफीज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं रख सकता हूँ एक्चुअली मैं, बट वो कचरा था। ओके तो ये सारी चीज़ें मैं रख सकता हूँ। तो अपन एक मिनट ये भी हटाता हूँ मैं, और मेरे को ये कलर अच्छा लग रहा है भाई, ये रेड कलर अच्छा लग रहा है, मैं इसको रखे रहने दूंगा। मैं भी इसके ऊपर दूसरा कुछ लाइट और पेंट कर दूंगा, ये लगा सकते हैं अपन, मे भी इसका कलर भी ठीक है, नाइस। चलो और इसके बगल में अपन एक ऐसे कुछ लगा देते हैं। ओके मेरे को बढ़िया सा कैबिनेट भी मिल चुका है तो अपन उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। ओके वेरी नाइस, ये बीच वाला एरिया हट जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ठीक है चलो कोई नहीं। यहाँ पे एक डबल डोर फ्रिज लगा देते हैं अपन। रेड से बढ़िया क्या फ्रिज होगा भाई, मैच भी करेगा उससे, लेट्स गो। और इसको अपन यहाँ पे अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देंगे, ज्यादा नहीं, हाँ बस। ओ मेरे को एक्चुअली में किचन कैबिनेट मिल गया अच्छा वाला, एक मिनट ये ज्यादा जगह भी नहीं लेगा एंड ये सही भी है। ओके लेट्स गो। और यहाँ पे एक सेटअप करना है बार खाने पीने की चीजें एंड एक्सेट्रा। तो एक बहुत बढ़िया मॉड्यूलर मेरे को सेट मिल चुका है भाई, जिसका कलर भी काफी बढ़िया है। ये देखो गाइस छोटा सा मिनी बार सेटअप हो चुका है, एंड इसके ऊपर अब वॉल हैंगिंग पे अपन कुछ कुछ लगा सकते हैं। वेल सबसे पहली चीज तो मेरे को एक कॉफी मशीन मिल चुकी है भाई, इसको तो मैं यही लगा दूंगा। ओ भाई साहब ये सही है ये तो जरूर लगाएंगे, $3,000 की कॉफी मशीन है ये। 5 minutes later ओके रैंडमली मैंने चीजें जमा दी है भाई, यहाँ पे अपना कॉफी मेकर है, यहाँ पे कुछ वास है और ट्रॉफीज हैं पता नहीं किसकी है, और यहाँ पे ग्लासेस लगा दिए हैं अपन ने, यहाँ पे कैबिनेट्स लगा दिए हैं जो कि बिल्कुल भी खाली है, और यहाँ पे एक बढ़िया सा फ्रिज है। बाथरूम पे भी अपन काम करेंगे, नट ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, अपन ने ठीक ठाक काम कर लिया है यहाँ पे आई गेस मैं ये टेबल भी हटा देता हूँ भाई, ये भी किसी काम का नहीं है। ये सोफे भी अपन नए लगाएंगे तो ये भी हटाओ, एंड ये क्या है भाई, ये टीवी वाला बढ़िया लग रहा है। ओके लेकिन और ये फायर प्लेस भी हटाओ क्योंकि ये जगह अपन यूज करेंगे पूरा। और मैं पेंट का देख लेता हूँ भाई, सबसे पहले पेंट अपन रेड ही करेंगे क्योंकि उधर रेड मेरे को बढ़िया लग रहा था। क्रिम्सन कन्फ्यूजन ओके ये कलर देखता हूँ, ज़्यादा ब्राइट ना हो बस। वेल काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ लगानी है, वो है ये ऐसा प्लैंक या फिर पता नहीं क्या है ये, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उधर कॉर्नर में लग जाएगा ना तो बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाएगा भाई इस जगह का।
तो यहाँ पे एक वॉल्स में जाएंगे अपन और वुडन पैनल्स। ओ हाँ यही तो है, एक मिनट देखते हैं अपन पैनल्स। हाँ ये रहा वॉल पैनल्स में, एक ये है और आई डोंट नो कि और कोई सा है कि नहीं, बाकी सब तो अलग अलग कलर के हैं। वही डार्क कलर बढ़िया लगेगा ना, इसको लेते हैं अपन, यहाँ रखते हैं एंड इसको लगाते हैं। ये एक्चुअली में सेम है क्या? मेरे को पता भी नहीं चल रहा है, बट ठीक है स्टिल अपन लगा देते हैं। नाइस, अब और बढ़िया लग रहा है। क्या मैं यहाँ पे पेंट करूँ या नहीं, ये मेन सवाल है। ऐसा कुछ है क्या, आई मीन ब्रिक्स टाइप का ही, ब्रिक देखते हैं, ब्रिक। ओ एक्चुअली में ब्रिक टाइल्स ही लगी हुई है, ये वाली लगा के देखते हैं अपन ये कैसी लग रही है। ओके एक मिनट दूसरा देखते हैं अपन, पता नहीं उतना खास नहीं लगा ये। हाँ मेन ब्रेक प्रनल्स ब्रेक, ओके ये में भी अच्छा लगे, ये सही लग रहा है, ये आई गेस बढ़िया लगेगा यहाँ पे। नाइस, यही चाहिए था, यही चाहिए था, ये हटाओ, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जापानीज हाउस वाला लग रहा है ये। चलो गाइस डन, सारी जगह हमने बढ़िया से टाइल्स लगा चुके हैं एंड अब वक्त है यहाँ पे काम चालू करने का भाई। ये और चीज़ें मैं भेज देता हूँ, एक मिनट ये रेड पेंट रहने देता हूँ मैं और अपन ये हटा देते हैं। अपना रूम बनाए उससे पहले मैं यहाँ पे बाथरूम कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ भाई, दो तीन एंड ओके यहाँ पे लाइट भी नहीं है भाई। अपन एक बढ़िया सा सिंक लेते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं एंड डन। नाइस, ओके यहाँ पे अपन एक टॉयलेट चाहिए और एक शावर चाहिए या फिर बाथ टब। और ये बाथ टब देखो भाई कितना बड़ा मिला है अपने को, एक मिनट क्या ये लग जाएगा? नहीं आई गेस नॉट गाइस, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारा टॉयलेट भी लग चुका है, अब बस एक बाथ टब लगाना है बढ़िया सा। तो अपन देख लेते हैं, महंगा सा बाथ टब ले लेते हैं भाई, जो कि मेरे को मिल चुका है। ओके एक बढ़िया सा बाथ टब मिल चुका है, एकदम मॉडर्न स्टाइल वाला लग रहा है ये। तो इसको अपन लगा देते हैं, फिटिंग कर देते हैं अच्छे से एंड यहाँ पे अपना बाथरूम कंप्लीट हो जाएगा। देन अपने को बस टाइल्स और फ्लोर टाइल्स लगाना रहेगा, इजी। आई गेस मैंने जैसा ऊपर किया था मैं वैसा ही नीचे करूंगा, तो मैं देख के आ जाता हूँ कि अपन ने ऊपर क्या क्या लगाया था और कैसा कैसा डिजाइन किया था। तो गाइस यहाँ पे हमारा बाथरूम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमने कुछ चीजें भी लगा दी हैं, एक मिरर भी लगा दिया है बढ़िया सा, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं बस एक डोर लगा देता हूँ एंड अपना बाथरूम सेट हो जाएगा। देन बस लास्ट चीज बचेगी, अपना सीक्रेट रूम बनाना, आई मीन सीक्रेट तो नहीं है बट बनाना है। चलो गाइस अब हम ये टीवी बेचते हैं और ये शेल्फ भी बेचते हैं, देन हम यहाँ पे लगाते हैं एक होम थिएटर भाई। ओके क्या इतने में काम हो जाएगा? इतनी बड़ी स्क्रीन सही है गाइस? इसको थोड़ा और लेफ्ट करते हैं अपन, आई मीन राइट, थोड़ा सा राइट, हाँ बस परफेक्ट आ चुका है ये। एक मिनट अपने को एक प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे दो स्पीकर्स लगा देते हैं अपन भाई, ये लो बढ़िया बढ़िया दो स्पीकर्स लग चुके हैं एंड अब सोफा लगाने की बारी है। आई मीन इस पे कुछ चलता तो बढ़िया रहता भाई, इस पे कुछ चला नहीं रहे ये लोग, बस बंद है ये, स्कैम। तो अब यहाँ पे हम सोफा लगा देते हैं भाई काफी सारे, आई मीन तीन आ जाएंगे, आई थिंक तीन सोफाज आ जाएंगे आराम से। ओके मेरे को बढ़िया सोफा मिल चुका है जो कि एक्चुअली में लग रहा है कि थिएटर वाला है। चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये एक ये दो एंड आई थिंक दो ही ठीक रहेगा, आई थिंक दो ही ठीक रहेगा। ओके वेरी नाइस, चलो यहाँ पे आराम से मूवी देखो, जो करना ही करो। और इधर कोंटे में कोने में एकदम अपन अपना सेटअप लगाते हैं भाई। Many hours later. तो गाइज हमारा गेमिंग प्लस होम थिएटर रूम बन के तैयार हो चुका है भाई। तो यहाँ पे देखो मैंने टेबल्स लगाए हैं, एक बढ़िया सा बड़ा सा गेमिंग मॉनिटर लगाया है, RGB कीबोर्ड, RGB माउस, RGB माउस पैड, RGB हेडफोन्स, एक ये लॉजिटेक का कैमरा है, वेब कैम है बट ऊपर नहीं लग पाया पता नहीं क्यों। ये रहा बढ़िया सा 10 करोड़ का माइक और ये रहा हमारा PC भाई, ये देखो। और ये हमारा गेमिंग चेयर, तो यहाँ पे दो पोस्टर भी लगा दिए मैंने ताकि थोड़ा अच्छा लगे भाई। तो यहाँ पे हमारा रूम बन के तैयार है भाई, अगर इसके इसमें कुछ दिखा पाते अपन तो बढ़िया रहता बट वाइट स्क्रीन ही चल रही है तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने गिटार्स नहीं हटाए क्योंकि गिटार्स मेरे को बढ़िया लग रहे थे भाई,
चलो गाइस, पूरा घर बन के तैयार हो चुका है भाई। एंड मैंने सोचा था ऑफिस अपना यही मूव करूंगा, बट अपने पैसे कुछ ज्यादा लग चुके हैं भाई, तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई इसको खरीदने के लिए रेडी है या नहीं। अगर हमें इस घर का अच्छा प्राइस मिलता है तो ही मैं बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा और अपन यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। तो चलो सेल द हाउस पे जाते हैं भाई। एंड अपन ने 189K डॉलर्स का खरीदा था, इतना एरिया है घर, इतने एरिया में है, 8 रूम है इसमें, हमारा बजट 92,000 है। चलो ऑक्शन पे लगाते हैं इसको। ओके, कोई बहुत सारे लोग को चीजें पसंद नहीं आ रही है। The house is very clean. The whole house is clean. Very nice. ये क्या था? Johnson family. Family Johnson 294K डॉलर्स दे रही है भाई। 80,000 डॉलर का प्रॉफिट है भाई, 80,000 डॉलर का। इंटरेस्टिंग। इनको वैसे 3 बाथरूम चाहिए थे। आई गेस गाइस ऑफर ले लेते हैं यार, कौन सा बार बार ऑफर मिलेंगे। नेगेटिव ओपिनियंस देख लेते हैं। नेगेटिव ओपिनियंस, देयर इजंट एनी ट्रैश। वेल आई डोंट नो, हमें मतलब नहीं इनके ओपिनियन से। चलो हम इसको बेस डालते हैं भाई, लेट्स गो। बेस दिया, वापस आ चुके हैं हम अपने खटारा घर में। लेट्स गो, 2x2 के घर में आ चुके हैं वापस से हम लोग। इतनी मेहनत से बनाया घर एंड वापस से बेच दिया है हमने। तो गाइस 386K डॉलर हो चुके हैं अपने पास। एंड मे बी अपन एक नई प्रॉपर्टी अब खरीद सकते हैं भाई, क्योंकि अपने पास बहुत पैसा हो चुका है। हा, 80,000 का प्रॉफिट भी कमाया हमने। तो देखते हैं 300K का आप कौन सा घर खरीद सकते हैं। कासल खरीद सकते हैं, कासल में थोड़ा पैसा लगे, फैमिली हाउस है एक। ओके, टॉप नॉच अपार्टमेंट है और बहुत सारी चीजें हैं। ये तो फैमिली के लिए ठीक है, अपने लिए ठीक नहीं है। लेट इट स्नो। वाओ, स्नो ही स्नो भरा है यहाँ तो। चलो गाइस अपन थोड़े बहुत और पैसे कमाएंगे एंड एकदम बढ़िया वाला घर खरीदेंगे। मे बी एक याची खरीद लेंगे डायरेक्ट, अगर पैसा हो गया उतने तक तो। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मजा आया हो तो लाइक बटन दबा देना गाइस। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपने लिए नया घर एक और खरीदेंगे एंड मे बी और बहुत सारे घर रेनोवेट करेंगे भाई, जो भी बाकी है रेनोवेट करने को लग्जरी DLC में, तो वो सारे घर भी हम रेनोवेट करेंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना गाइस, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। एंड नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 का भाई। तो यस, फाइनली वो गेम आ चुका है। आई नो कि मैंने इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 1 चालू किया था, बट मैं एक्चुअली वो पहले खेल चुका था बिना वीडियोस डाले, तो मैं चाह नहीं रहा था कि मैं उसको फिर से खेलूं, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैं पार्ट उसका सेकंड गेम खेलेंगे जो कि रिलीज हो चुका है भाई, एंड मैं उसका बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो गाइज, एंड हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।